हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग अब कॉस्ट अकाउंटिंग का विधिवत क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो क्लासेस होंगे वो पहले के जो और बैच चल रहे हैं उसके लिए है, लेकिन जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसका ये पहला क्लास स्टार्ट होता है। हालांकि स्टार्टिंग तो हमने कल भी की थी, लेकिन कल उतना प्रॉपर ढंग से हमने नहीं समझाया। आज हम क्या करेंगे, पूरा जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है लागत लेखांकन का परिचय के नाम से आपके बुक में हो सकता है, किसी और नाम से हो सकता है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए पीडीएफ बना के दे दीजिए, तो मैं आपको बताऊं, आप अगर हमसे जुड़े हुए हो तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कुछ भी करना है हमें सब समय समय पर करते रहना है। हम हर चैप्टर का पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, तो कहीं पर कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो आप परेशान ना होइएगा, एक सिस्टम से हमको चलना है। और आज पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हर यूनिवर्सिटी के पेपर में पहले नंबर पर रखा हुआ होता है वो आज हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यहां से पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। तो आज की जो क्लास है, लागत लेखांकन के परिचय में क्या क्या हो सकता है, इसका अर्थ हो सकता है, यानी लागत लेखांकन क्या है ये हो सकता है, लागत लेखांकन की विशेषताएं हो सकती हैं, लागत लेखांकन की विधियां हो सकती हैं, लागत लेखांकन के उद्देश्य हो सकते हैं, लागत लेखांकन के लाभ और दोष, इतना बड़ा चैप्टर है ये। तो ये सब कुछ आज हम एक ही वीडियो में ये क्लियर कर देंगे, यानी कल हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज वाला जो ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। और बीच बीच में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। तो टाइम तो देना पड़ेगा, आप कहीं पर भी पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए एक सिस्टम में ही आना होगा, और हम सिस्टम में अब आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं, और सभी लोग एकदम जुड़ जाइएगा। और देखिए, बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा लागत लेखांकन के अर्थ पे, ठीक है। देखो, लागत लेखांकन की शुरुआत कैसे हुई ये मैं जरूर बताऊंगा, और जो लागत लेखांकन है इसका क्या कारण है कि ये लेखांकन हमें करना पड़ा। देखो क्या होता था कि पहले लागत लेखांकन को ही समझ लेंगे, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यापारी बी है। क्या होता है कि मार्केट है, और मार्केट में इन दोनों में क्या है, कंपटीशन है। कोई भी विक्रेता अगर जाता है तो वो पहले ए के यहाँ जाता है, फिर बी के यहाँ जाता है, फिर बी के यहाँ से फिर ए के यहाँ आता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, वो इनकी दुकानों पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस तरह से ये चाहते हैं कि सारे के सारे कस्टमर अधिकांश हमारे पास में बने रहें। तो ए क्या है, उस वस्तु को 100 रुपए में बेचता है, बी कह रहा है कि तुम हमसे 98 में ले लो, 2 रुपए कम में ले लो। अब एक एक ग्राहक हैं वो भागने लगेंगे कहां, बी की ओर। अब ए ने देखा कि सारे ग्राहक बी की ओर जा रहे हैं, बी ने क्या काम किया, बी ने 98 किया था, तो ए ने क्या काम कर दिया, उसको 95 रुपए में सेल करना शुरू कर दिया। और जब 95 रुपए में सेल करना कर दिया, अब जो इसके ग्राहक थे वो इसके पास में रुके और इधर वाले भी इधर आने लगे। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ, गवर्नमेंट को हुआ। क्योंकि इन दोनों को जब नुकसान होगा, जब इन दोनों को प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर ये गवर्नमेंट को टैक्स कहां से देंगे, ओके? तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, व्यापारियों को भी नुकसान हुआ, फायदा किसे हुआ, उपभोक्ताओं को हुआ। लेकिन सिर्फ एक पक्ष को फायदा देकर के दूसरा अगर नुकसान में जा रहा है, हम बिजनेस को नहीं ग्रो कर सकते, हम बेटा बिजनेस नहीं चला सकते। इसलिए जरूरत पड़ी कि ए और बी के लिए सजेशन दिया, क्या दिया कि सबसे पहले आप जो भी वस्तुएं बेच रहे हो उसकी क्या कॉस्ट ज्ञात कीजिए, इसमें प्लस कीजिए क्या अपना प्रॉफिट, और इसके बाद में उसे करिए क्या सेल। तो कॉस्ट की जो मुख्य जरूरत पड़ी वो इसी कारण से पड़ी, याद करने की अब जरूरत नहीं है। कॉस्ट का जन्म क्यों हुआ, इसी कारण से हुआ, ठीक है। अब कॉस्ट होती क्या है, किसी भी वस्तु को जो हमें यह दिखाई दे रही है, इसको बनाने में या इसको खरीदने में जितना भी हमने भुगतान किया है, सभी का योग हम सोचते हैं क्या है, कॉस्ट है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इसी बात को हम थोड़ा चेंज करके प्रेजेंट करेंगे कि किसी भी वस्तु को खरीद करके लाते हैं और जब तक गोडाउन में नहीं रख जाती है, जितने खर्चे होते हैं उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। और जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो सामग्री, श्रम और व्यय तीनों को एक विधिवत ढंग से लिखना लागत लेखांकन कहलाता है। और तीनों का जो योग है, किसका, सामग्री का, श्रम का, व्यय का, यानी मेटेरियल, लेबर और कॉस्ट, इन तीनों का जो व्यय है
उसका टोटल कॉस्ट कहलाता है। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा अर्थ पे। अब बात होती है कि लागत और लागत लेखांकन क्या दोनों अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं। किसी वस्तु को हम बना रहे हैं उसमें कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है वो उसकी क्या है, लागत है। और उस लागत को एक निश्चित प्रोफार्म पे लिखना लागत का लेखांकन है। तो लागत और लागत का लेखांकन दोनों से है तो मिलते जुलते, लेकिन थोड़ा सा इनमें क्या है, डिफरेंस भी है। ठीक है, तो एक पहली बात आज क्लियर हो गई कि हम लागत क्यों ज्ञात करते हैं। अपनी वस्तु पर हम थोड़ा सा मुनाफा कमा सकें इसलिए जरूरत होती है ये पता लगाना कि वो वस्तु है कितने की। दूसरी चीज, वस्तु की लागत पता चलने के बाद में हम उसका विक्रय मूल्य का निर्धारण तो कर सकते हैं, लेकिन लागत लेखांकन क्या है, किसी वस्तु को खरीदने में या बनाने में आने वाला सामग्री, श्रम और व्यय तीनों का जो योग है वो हमारी क्या कहलाता है, लागत उस वस्तु कहलाता है। उसको विधिवत ढंग से लिखना लागत का लेखांकन कहलाता है। अब हम चलते हैं अगला, यहां तक क्लियर हो चुका है, कमेंट में जरूर बताना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि अब हम ग्रुप पर यह लिंक नहीं भेजेंगे और आप लोगों को डेली तैयार रहना है और ये डेली क्लासेस चलेंगी। ठीक है, कोई रुकने वाली नहीं है, डेली क्लासेस चलेंगी, पूरा कोर्स हम ही कराएंगे। और अगर कोई नया स्टूडेंट हो, जुड़ना चाहता हो, तो 9719811001 ऑफिस का व्हाट्सअप है, इस पर आप जुड़ सकते हो। ओके, इसके बाद में अब हम पहला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे, स्टार्टिंग करते हैं यहां से। पहला हमारा हो गया लागत लेखांकन का अर्थ, समझ लिया अभी हमने थोड़ी देर पहले कि किसी वस्तु को बनाने में या खरीदने में होने वाले सामग्री, श्रम और व्यय तीनों के योग को हम उसका लागत कहते हैं और इसको विधिवत ढंग से लिखना लागत लेखांकन कहलाता है। दूसरी चीज, लागत लेखांकन की विशेषताएं, विशेषताएं करैक्टरिस्टिक्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर मोस्ट लिख देता हूं और समझ लो ये आएगा जरूर। पहला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए कि लागत लेखांकन को विस्तार से समझाइए तो क्या करोगे, अर्थ लिखोगे, विशेषताएं लिखोगे, उद्देश्य लिखोगे, लागत लेखांकन की विधियां लिखोगे, और अगर बढ़ाना है तो गुण दोष भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम विशेषताओं को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेते हैं और ऐसी विशेषताएं होंगी जो हमारे और आपके द्वारा जनरली ये सब समझी गई हुई होंगी और तुरंत जैसी विशेषता का नाम लेंगे उसके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें आपको लिख देनी है। और मैं आपको बताऊं 10-15 विशेषताएं यहां पर बताता हूं, 10-12 अगर याद रह गई तो समझ लो कि बहुत अच्छा कंटेंट आप वहां पर लिख करके आओगे। ओके, तो आइए समझ जाते हैं। पहला, लागत लेखांकन की जो विशेषता है वो है कला व विज्ञान दोनों है, यानी लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। क्यों है कला और क्यों है विज्ञान? क्योंकि लागत लेखांकन से हमें यह पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्शन को हम कैसे करें, इसलिए यह क्या है, कला है। और जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं या उस प्रोडक्शन करने के बाद में उसको हम लिखते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए हम लेखा करते हैं, इसलिए विज्ञान भी है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। बताओ क्लियर हो गया? हो गया होगा। दूसरी विशेषता, लागत लेखांकन विक्रय मूल्य निर्धारित करता है। देखो दूसरी विशेषता क्या है कि लागत लेखांकन विक्रय मूल्य को निर्धारित करता है। क्यों करता है? जब हमें वस्तु की लागत का पता चल जाता है, जब हमें यह पता चल जाता है कि वस्तु बनकर के कितने में तैयार हो रही, तभी हम उसके लिए बेच सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कैटेगरी में यह बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या? कि लागत लेखांकन विक्रय मूल्य का निर्धारण यही करता है। तो दो विशेषताएं हो गई, पहला लागत लेखांकन कला विज्ञान दोनों है और दूसरा लागत लेखांकन विक्रय मूल्य का निर्धारण करता है। अगर हमारे चैनल पर समझ में नहीं आया तो फिर कहाँ आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या मैं कुछ और टेक्निक करूं। अगर समझ में आ रहा है तो बस लगे रहिएगा मेरे साथ, देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कितना टफ आता है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी का लो, बिल्कुल धुआं निकालेंगे पेपर का। ओके, अगली चीज, तीसरे नंबर पर, तीसरी विशेषता,
लेखांकन का प्रमुख भाग है लागत। लेखांकन किसका? लेखांकन प्रक्रिया का। लेखांकन प्रक्रिया का प्रमुख भाग है भैया लागत लेखांकन है। देखो दो ही प्रकार के प्रमुख लेखांकन हैं, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन। अब वित्तीय लेखांकन फर्स्ट नंबर पे तो है ही है, लेकिन सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें लागत लेखांकन, तो लागत लेखांकन लेखांकन प्रक्रिया का प्रमुख भाग है, मेन पार्ट है ये। क्यों मेन पार्ट है? क्योंकि लागत लेखों के बाद ही हमारे वित्तीय लेखे किए जाते हैं, और वित्तीय लेखे तो ये देखते हैं कि पूरे वर्ष भर कितना आया कितना चला गया। लेकिन लागत लेखांकन हमारा क्या करता है कि व्यापार में किसी भी वस्तु को बनाने में कितना खर्च हो रहा है और कितना उसके लिए हम ऊपर से व्यय कर रहे हैं, जिसको हम ऊपर व्यय के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगली विशेषता चौथे नंबर पे, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग। अगली विशेषता यह है कि जो लागत लेखांकन है उसमें दोहरा लेखा प्रणाली की का पालन किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली हमारी ये कहती है कि किसी भी लेन देन को डेबिट और क्रेडिट करके दो पक्षों में लिखना लागत लेखांकन, सॉरी दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत सारे आगे चैप्टर्स आएंगे जो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होंगे, यानी उनमें जर्नल एंट्री आपको लिए भले ही ना करनी हो, लेकिन उनमें लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में, यानी जब खाते बनाएंगे ये आगे आएगा 100% आएगा। आगे पांचवें नंबर पे निश्चित नियमों का प्रयोग। भाई अगली विशेषता यह है कि लागत लेखांकन में निश्चित नियमों का प्रयोग किया जाता है। निश्चित नियमों का प्रयोग से मतलब यहां पर क्या है? निश्चित नियमों के प्रयोग से मतलब यह है कि जब हम कोई लेखांकन करते हैं, जब हम लेखांकन प्रक्रिया अपनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और उन सारे नियमों को फॉलो करते हुए हम लेखांकन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ओके, अब इसके बाद में आता है आपका अगला पॉइंट, छठे नंबर पे समस्त व्ययों का लेखा। समस्त व्ययों का लेखा, जो लागत लेखांकन प्रणाली है इसमें जितने भी खर्च होते हैं समस्त व्ययों को कैटेगराइज करके हम इसमें लेखा करते हैं। ओके, तो समस्त व्ययों का लेखा लागत लेखांकन में ही किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया उसका लेखांकन होता है, लेकिन जितने खर्च हो रहे हैं उसका लेखांकन लागत लेखांकन में ही होता है। अगला है सातवें नंबर पे कुल लागत की जानकारी। कुल लागत की जानकारी, ये बहुत बड़ी विशेषता है लागत लेखांकन की, कि किसी भी हम वस्तु को बना रहे हैं तो उस वस्तु को बनाने में कुल कितनी लागत आई है इसकी जानकारी हमें लागत लेखांकन से ही पता चलती है। तो लागत लेखांकन वह लेखांकन है जिसमें किसी वस्तु को बनाने में या खरीदने में टोटल कितना खर्च हुआ ये हमें जानकारी मिलती है। अगला आठवें नंबर पे, आठ विशेषताएं, प्रति इकाई लागत का ज्ञान। ये क्या होता है, प्रति इकाई लागत का ज्ञान? प्रति इकाई लागत का ज्ञान का मतलब यहां पर सीधा सा ये है कि हम बहुत सारी चीजों को बना रहे हैं, जैसे ये पेन बना रहे हैं, हम 1000 पेन बना रहे हैं, लेकिन एक पेन को हम बेचे कितने में, एक इकाई कितने में बिकेगी, बस यही चीज हमारी प्रति इकाई लागत का ज्ञान कहलाती है। यानी इस पेन को खरीदने में बेचने में जितना पैसा जाता है वो वित्तीय लेखांकन में पहुंचता है, लेकिन इस वस्तु को तैयार करने में कितना खर्चा आया ये कॉस्ट बताती है, तो प्रति इकाई लागत का ज्ञान यहीं से पता चलता है। ओके, नवे नंबर पे अर्धनिर्मित वस्तुओं की लागत। की जानकारी, ये ऐसा विषय है बेटा, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो क्या होती हैं, जिस देश में बिजनेस करती हैं वहीं से अधूरा बना हुआ माल लेती हैं अच्छी क्वालिटी का, और अपने हिसाब से उसके लिए अपना लेबल लगाती हैं और बेच देती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन कंपनियों को कितने रुपए में माल प्रोवाइड कराया जाए, इसके लिए
लागत लेखांकन जरूरी होता है। लागत लेखांकन के माध्यम से ही पता चलता है कि अर्धनिर्मित माल की जो लागत है वो कितनी आ रही है, यानी कितने में दूसरे को हम दें। ये किसकी है? लागत लेखांकन की विशेषता ही है। ओके, तो अगला दसवें नंबर पे विक्रय मूल्य का निर्धारण। विक्रय मूल्य का निर्धारण 10 पॉइंट हो गए। विक्रय मूल्य का निर्धारण, कोई वस्तु हम कितने में बेचें, यह हमें कहां से पता चलता है? हमें लागत लेखांकन से ही पता चलता है। यानी जैसे थोड़ी देर पहले हमने दो एग्जांपल लिए थे, उन दोनों एग्जांपल्स में से हम किसको फॉलो करें, यानी कितने रुपए में हम बेचें, यह हमें कहां से पता चलेगा? यह हमें यहीं से पता चलेगा कि उस वस्तु को जब हम बेचेंगे तो उसकी लागत कितनी आ रही है, लागत के आधार पर ही कुछ लाभ जोड़ करके तब हम उसका विक्रय मूल्य बनाएंगे। ओके, अब इसके बाद में 11वें नंबर पे लाभ की जानकारी। भैया जब विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा, हमें लागत भी पता चल जाएगी। मान ली किसी वस्तु की लागत 80 रुपए है और हमने उसे 100 रुपए में बेचा है, तो अंतर क्या हुआ? 20 रुपए। ये स्पष्ट हो गया क्या है हमारा लाभ है। तो लाभ की भी जानकारी हमें किससे मिलती है? इसी से मिलती है। किससे? लागत के लेखांकन से। तो लागत लेखांकन से हमें लाभ की भी जानकारी मिलती है। अगला 12वें नंबर पे वैज्ञानिक पद्धति का होना। वैज्ञानिक पद्धति का होना यानी जो लागत लेखांकन है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है? जिसमें निश्चित नियम कायदे कानूनों का पालन किया जाए, उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो लागत लेखांकन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त नियम कायदे कानूनों का पालन किया जाता है, इसलिए ये जो है वैज्ञानिक पद्धति है। 12 हेडिंग्स हो चुकी हैं, 15 बताऊंगा कम से कम 15, कि देखेंगे कितना भूलोगे। अगले नंबर 13वें नंबर पे लागत पर नियंत्रण। देखो किसी वस्तु को जब हम बना रहे हैं तो वो कितने में बनके तैयार हो रही, उसको कितने मूल्य तक घटाया जा सकता है, ये लागत कंट्रोल कहलाता है, कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। तो कॉस्ट पर कंट्रोल करना ये भी कौन सिखाता है हमें? लागत लेखांकन सिखाता है। तो लागत लेखांकन की अगली जो विशेषता है वो लागत पर क्या है? नियंत्रण भी है। अगला 14वें नंबर पे निर्णय में सहयोगी। निर्णय में सहयोगी का मतलब है कि जब हमें वस्तुओं की लागत का पता होता है कि इनमें कितनी लागत आ रही, तो आने वाले समय में हम कौन सा निर्णय लें, क्या करें क्या नहीं करें, उत्पादन करना है तो कितना करें, ये सब चीजों पे जो निर्णय है वो लागत लेखांकन के आधार पे ही होता है। तो ये जरूरी है कि इन सब चीजों के द्वारा ही हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और वो निष्कर्ष हमारा ये होता है कि हम उस काम को करें या ना करें। अगला 15वें नंबर पे लागत की क्रमबद्ध जानकारी। लागत की क्रमबद्ध जानकारी, अगर कम दिख रहा हो, भद्दा दिख रहा हो, कोई परेशान मत होना, सारे पीडीएफ नोट्स में इनकी पूरी डिटेल तक आपके पास में पहुंचेगी। अगर संजीव सर से जुड़े हुए हो तो निराशा हाथ नहीं लग सकती है। तो अगली ये विशेषता है लागत की क्रमबद्ध जानकारी, यानी जो लागत आ रही है वो लागत कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही, कितने फैक्ट्री खर्चे, कितने ऑफिस के खर्चे, कितने बिक्री और वितरण के खर्चे, टोटल कॉस्ट क्या है, ये क्रमबद्ध जानकारी हमें किससे मिलती है? लागत लेखांकन से ही मिलती है। तो 15 हेडिंगें हो गई, पर्याप्त हैं, एक आध और बता दें। चलिए भैया 16वें नंबर पे तुलना करने में सहायक, ये बनाओ। तुलना करने में सहायक, अगर हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो वो भी लागत लेखांकन हमारा पूरा सहयोग करता है। तो यहां पर देखा आपने 16 विशेषताएं मैंने बताई, कितनी भूलोगे तब भी 10-12 याद रह जाएंगी। बहुत सरल हेडिंग्स हैं, इनको तैयार कर लीजिए। कला विज्ञान दोनों है, लागत लेखांकन विक्रय मूल्य निर्धारित करता है, लागत लेखांकन लेखांकन प्रक्रिया का प्रमुख भाग है, दोहरा लेखा प्रणाली का इसमें प्रयोग होता है, निश्चित नियमों का प्रयोग होता है, समस्त व्ययों का इसमें लेखा होता है, कुल लागत की जानकारी हमें
यहां से मिलती है, प्रति इकाई लागत का ज्ञान होता है, अर्धनिर्मित वस्तुओं की लागत की जानकारी मिलती है, विक्रय मूल्य का इसमें निर्धारण होता है, लाभ की जानकारी होती है और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, लागत पर नियंत्रण किया जा सकता है, निर्णय में सहयोगी है, लागत की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है, तुलना करने में सहायक है। ये विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग थी। ये तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये क्लियर हुआ। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि लागत लेखांकन की विधियां। देखो इस पूरी वीडियो में बड़े मजेदार और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर के हम रख देंगे, जिससे आपको इस चैप्टर को फिर कहीं से और देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो आइए इसको अब हम वाइप करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें लागत लेखांकन की प्रमुख विधियां। यानी हम लागत लेखांकन तो करेंगे, अरे किस किस विधि से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स कर सकते हैं। छोड़ूंगा नहीं कोई टॉपिक ऐसा जो तुम्हारे लिए मूल्यवान थोड़ा सा भी है। तो पहली चीज, पहला लेखांकन कौन सा होता है, अब ये सब न्यूमेरिकल के चैप्टर बनते हुए यहां पर चले जाएंगे। ओके, तो यहां पर लेखांकन प्रक्रिया में पहले नंबर पे आता है परिचालन लागत विधि। परिचालन लागत विधि किसे कहते हैं? जब हम दूसरों को सेवा प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाओं को संचालित करते हैं, उसी को हम परिचालन लागत विधि कहते हैं। जैसे हम कोचिंग अगर चला रहे हैं तो यहाँ का स्टाफ पूरा है, उसको वेतन देना होता है, यहाँ पर बिजली का खर्च है, यहाँ पर इंटरनेट का खर्च है, यहाँ पर कंप्यूटरों का, लैपटॉप का खर्च है, कर्मचारियों का खर्च है, इंक का खर्च है। ओके, और हमको भी भोजन तो करना ही होगा। तो इन सब चीजों में कोचिंग को ऑपरेट करने में आने वाले समस्त व्यय को परिचालन लागत विधि के नाम से जाना जाता है। होटल चलते हैं, होटलों में जब आप जाते हो तो वहां जब सेवा लेते हो, एक भी व्यक्ति नहीं जाए, क्या उस दिन खर्चा कम होगा होटल का? केवल कौन सा खर्चा कम होगा? जो खाते पीते वो, क्या उस दिन के कर्मचारियों को सैलरी नहीं देंगे, क्या लाइटें नहीं जलाएंगे, क्या एसी नहीं चलेगा, सारे खर्चे होंगे। एक बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, 10 यात्री बैठ के जाएंगे तब भी फ्यूल उतना खर्च होगा, उतना ही ड्राइवर को चलानी होगी, कंडक्टर को उतनी ड्यूटी देनी होगी। अगर वो ज्यादा दूर तक जाती है तो क्या होगा, और ज्यादा खर्चा आएगा। और अगर ज्यादा सवारियां बैठ के चलेंगी तो ज्यादा इनकम होगी, कम सवारी बैठ के चलेंगी तो ऐसा था नहीं बस को ले नहीं जाएगा, उसको तो ले ही जाना होगा। तो इसमें आने और जाने में कितना खर्च हो रहा है, यानी किसी भी ऐसी सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं को चलाने में कितना खर्च हो रहा है, इस विधि को हम कहते हैं परिचालन लागत विधि। दूसरी, इसे अंग्रेजी में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है हमारी एकाकी लागत विधि। एकाकी लागत विधि, एकाकी लागत विधि का मतलब यहां पर सिंगल कॉस्टिंग से है। सिंगल कॉस्टिंग का मतलब यहां पर है कि जो उद्योग धंधे हैं जिनमें एक ही तरीके की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग में आप जाते हो, सीमेंट की बोरियां बनती हैं, सब एक जैसी बनती हैं, एक बोरी को बनाने में कितना खर्च आ रहा है। मैं बाच पहने हुआ हूं, वहां बहुत तरीके की बाच बनती हैं, लेकिन एक बाच को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, ये सिंगल कॉस्टिंग है। यानी एक यूनिट को तैयार करने में जो खर्च आ रहा हो, जहां से पता चले एकाकी लागत होती है। सेवा प्रदान करने वाली में कौन सी होती है, ये वाली लागत होती है। तीसरा, प्रक्रिया लागत विधि। प्रक्रिया लागत विधि, इसे अंग्रेजी में प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है। देखो इसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं, एकाकी को सिंगल
कॉस्टिंग मेथड कहते हैं, प्रक्रिया को प्रोसेस अकाउंटिंग कहते हैं या प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। अकाउंटिंग की जगह पर कॉस्टिंग लिख लो, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब ये प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? देखो, हम आप सब बिस्किट यूज करते हैं खाने में, क्या बिस्किट किससे बनता है? आप बोलोगे मैदा या आटा से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। हम कहते हैं गेहूं से बिस्किट बनता है, बनता तो ऐसा ही है, गेहूं से ही बिस्किट बनता है, लेकिन गेहूं को एक प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला काम होता है कि गेहूं की साफ सफाई करने के बाद में आटा या मैदा बनाना, एक काम हो गया। दूसरा काम हो गया उस आटा और मैदा में कुछ मिक्सर करके, मिक्स करके और एक निश्चित शेप देना, दो काम हो गए। जो निश्चित शेप दी है उसमें सुगंध है छिड़क करके या किसी और प्रकार से, छोटे बड़े पैकेटों का निर्धारण करना और फिर मार्केट में सेल करना, तीन काम हो गए। इसी को कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम होना प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। हम ये शर्ट पहने, सबसे पहले रुई से धागा बना होगा, एक काम। धागे से कपड़ा बनाया गया होगा, दो काम। कपड़े से कलर किया गया होगा कपड़े में और एक निश्चित डिजाइन उस कपड़े काट करके शर्ट बना दी गई, तीन काम या चार काम हो गए। तो ये तीन चार काम नहीं हुए, तीन चार प्रोसेस हुए। इसी को कहते हैं हम कौन सी कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं बेटा। इसके बाद में अगला है चौथे नंबर पे ठेका लागत अथवा उपकार्य लागत। ठीक है, ठेका लागत या उपकार्य लागत। ठेका लागत यह भी एक तरीका है, जब कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा काम कराना चाहता है और उस बड़े से बड़े काम को कराने के लिए उसका मूल्य, उसका कराने का समय, उसका सारा का सारा तरीका पहले से ही फिक्स कर देता है, तो इसी को हम कहते हैं कौन सा, ठेका लागत मूल्य। अगला है पांचवें नंबर पे विभागीय लागत, विभागीय लागत विधि। इसमें क्या होता है कि जब बड़े बिजनेस के लिए गणना की दृष्टि से छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग को हम विभाग कहते हैं, और विभाग में जितना भी खर्च आ रहा है उस खर्च के लिए विभागीय लागत विधि के अंतर्गत हम मापते हैं। अगला छठे नंबर पे समूह लागत विधि, समूह लागत विधि। ये विधि क्या होती है, समूह लागत विधि। इसमें क्या होता है, वस्तुओं को ग्रुपों में बनाया जाता है, जैसे ईंट भट्टे हैं। कभी पूछना कि एक ईंट को बनाने में कितना लागत आया है, नहीं बताएंगे। कहना भाई 1000 को बनाने में कितना आ रहा, फट से बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि हर चीज का अपना यूनिट होता है, ओके, और उस यूनिट के आधार पर ही लागत का लेखांकन किया जाता है। अगला सातवें नंबर पे लागत योग विधि, लागत योग विधि बहुत सरल होती है। लागत योग विधि में क्या होता है, इसमें निर्माता पर विश्वास किया जाता है। जैसे आप किसी भी, जैसे ये पेन आप बनाते हो और हम कह दें कि भाई ऐसा हमको 1000 पेन बना के दे दीजिए, जितनी लागत आए उसमें अपना लाभ जोड़ करके हमें बता देना, हम आपका पेमेंट कर देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी वास्तव में लागत आए उस लागत में योग माने जोड़ लें क्या अपने लाभ का हिस्सा और बता दें कि कितना बनके तैयार हुआ। इन चीजों में ये वहां पर होती है जहां पर विश्वास से आश्रित संबंध होते हैं दूसरी चीज, और जहां पर पहले से उस वस्तु की लागत को बताया ही ना जा सके तो वहां पर लागत योग विधि अपनाई जाती है। अब यहां पर आपने देखा है कि कितनी विधियां हमारी हो चुकी हैं। पहली विधि हमारी हुई परिचालन लागत विधि, इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। अगली है एकाकी लागत विधि, यानी जिसमें सिंगल कॉस्टिंग निकल के आती है। प्रक्रिया लागत विधि, जिसमें कई प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। समझ में नहीं आया इस वीडियो को दोबारा करके देख लेना, लेकिन पहला चैप्टर सीख जरूर लेना, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का 100% आएगा। अगला है ठेका लागत अथवा उपकार्य लागत। ठेका लागत में क्या होता है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट
ले लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग मेथड यहाँ अपनाया जाता है, विभागीय लागत विधि में पूरे डिपार्टमेंट का खर्च देखा जाता है, समूह लागत विधि में क्या होता है समूह ग्रुप को देखा जाता है, लागत योग विधि में जितनी वस्तु को बनाने में लागत आई है उस लागत में थोड़ा सा लाभ जोड़ करके, यानी जो भी उसका लाभ होता होगा वो जोड़ करके और तब निकाला जाता है। तो ये सात हो गई। अब अगला हो गया आठवें नंबर पे आता है बहुसंख्यक लागत विधि। अब ये बहुसंख्यक लागत विधि क्या होती है, जहां पर एक वस्तु को जब हम बनाते हैं बहुत सारे पुर्जे जहां पर ऐड होते हैं, तो भैया बहुसंख्यक लागत विधि, जैसे कार बनाते हो, कार में एक कार में कम से कम नहीं तो हजारों प्रकार के पुर्जे लगते हैं, तो वहां पर इस विधि को अपनाया जाता है। अगला नवे नंबर पे लक्ष्य लागत विधि, लक्ष्य लागत विधि, और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये हर बुक में आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कई बुक्स से निचोड़ करके तब आपकी हम सेवा में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। भैया तैयार कर लो सभी लोग, जिससे आपकी जो मार्किंग है इतनी अच्छी आए कि मेरा भी नाम हो। ओके, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपसे, जो आगे का वाला बैच चल रहा है बड़ा अच्छा कवर किया है बच्चों ने। अगला है दसवें नंबर पे, दस विधियां तो बताई दें, समान लागत विधि, समान लागत विधि। ये समान लागत विधि का मतलब और लक्ष्य लागत का मतलब समझ गए, लक्ष्य लागत का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो हम पहले से ही तय कर देते हैं कि भाई इस वस्तु को 100 रुपए में ही बनाना, इससे ज्यादा मत बनाना। तो एक लक्ष्य लगा दिया कि अगर वो 100 से कम में बन रही होगी, 100 तक बन रही होगी तो बनाएंगे, ज्यादा आने लगेगी उसे रोक देंगे। ठीक है, तो ये होती है लक्ष्य लागत विधि। दूसरी होती है समान लागत विधि। समान का मतलब होता है बराबर बराबर, लागत विधि का मतलब होता है कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, समान लागत विधि वहां पर होता है कि आपने कोई वस्तुओं को बनाया और उन वस्तुओं में अगर 100 रुपए खर्च आया तो ये माना जाएगा कि आगे जितनी भी वस्तुएं बनेंगी उनमें 100 रुपए का ही खर्चा आएगा, अगर बढ़ के भी आ रहा तब भी आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये होती है हमारी कौन सी, समान लागत विधि। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विधियां यार, कॉस्ट अकाउंटिंग की जान है ये विधियां। अगर जिसने ये 10 विधियां समझ ली तो समझ लो उसका तो कॉस्ट का बहुत बड़ा पार्ट समझ में आ जाएगा। ये सब आगे के न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं, ओके, न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स हैं। ठीक, क्योंकि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में यही तो पढ़ना है कि कॉस्ट को कैसे लिखें। अरे बहुत सरल है, टफ तो आई नहीं, बस इनका पता लगाना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। हो गया, आगे इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक अपना, और जो है लागत के उद्देश्य। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक निकल करके आता है वो होता है लागत लेखांकन के उद्देश्य, यानी किसी भी काम को करने के पीछे हमारा क्या मकसद है, यही उस काम का क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। अब यहां पर लागत लेखांकन को हम क्यों करते हैं, इसके पीछे कौन कौन से मकसद हैं, तो वो हमारा लागत लेखांकन का उद्देश्य कहलाता है। तो आइए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लागत का अर्थ पता चल जाए, लागत की विशेषताएं पता चल जाए, लागत की विधियां पता चल जाए, लागत के उद्देश्य पता चल जाए, तो समझ लो कि बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा जल्दी में समझेंगे, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्पादन लागत ज्ञात करना। देखो लागत लेखांकन का पहला उद्देश्य है कि जिस हम प्रोडक्शन को कर रहे हैं उस प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है, उस कॉस्ट को ज्ञात करना, उत्पादन लागत ज्ञात करना, यह उद्देश्य बनता है जाकर के। दूसरा है लागत पर नियंत्रण, लागत पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ओवर कॉस्ट, यानी किसी वस्तु को हम बना रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा तो लागत नहीं आ रही, उसको कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे उसे रोकेंगे, ये चीज हमारी लागत पर क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है।
तीसरा हमारा उद्देश्य होता है विक्रय मूल्य निर्धारित करने का। उद्देश्य भाई विक्रय मूल्य निर्धारित करने का जो उद्देश्य है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉस्ट के आधार पे ही हम विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, सेट करते हैं। अगला लागत की तुलना करना। लागत की तुलना करने का मतलब है कि जो कॉस्ट आ रही है, पहले क्या कॉस्ट आ रही थी, अब क्या कॉस्ट आ रही, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तुलना कैसे करेंगे, लागत लेखांकन से ही करेंगे। लागत लेखांकन में सारे सिस्टम से सब कुछ लिखा होता है। तो अगला उद्देश्य होता है लागत की तुलना करना। अगला पांचवें नंबर पे अपव्ययों को रोकना। अपव्ययों को रोकना का मतलब है कि कुछ ऐसे खर्चे जो ना होना चाहिए, जिनको रोका जा सकता है, जिनको रोकने के बाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन की गुणवत्ता भी नहीं घटेगी, तो इनको अपव्ययों को रोकना भी एक महत्वपूर्ण है। अगला सिक्स नंबर पर, और सिक्स नंबर पर है हानियों को रोकने हेतु। इसका मतलब यहां पर है कि अगर हानि हो रही है, लॉसेस हो रही हैं, तो उनको रोका जाए, उनको ना होने दिया जाए। तो उसके लिए भी, हानियों को रोकने के लिए भी ये एक उद्देश्य होता है कि भाई लागत लेखांकन का, कि हम हानियां नहीं होने देंगे। सातवें नंबर पे लागत आंकड़े, आंकड़े कहते हैं डेटा के लिए, लागत आंकड़े तैयार करने के लिए। भाई लागत लेखांकन का यह भी उद्देश्य होता है कि जब हम लागत का लेखांकन करेंगे तो जितने भी लागत के आंकड़े हैं, जो भी हमारा डेटा है, वो भी साथ साथ में तैयार होता चलेगा। ओके, अगला है आठवें नंबर पे कर नियोजन के लिए। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पे भी टैक्स चुकाना होता है, तो इसके लिए टैक्स प्लानिंग भी किस पर डिपेंड होती है, लागत लेखांकन के उद्देश्यों पर ही होती है। तो लागत लेखांकन का अगला उद्देश्य जो है कर नियोजन भी होता है। अगला है नवे नंबर पे सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो कितने रुपए की सामग्री लग रही है, कितना रुपए हमारा मटेरियल में खर्च हो रहा है, ये जानकारी हमें किससे, सामग्री का अनुमान लगाने के लिए होती है। यानी लागत लेखांकन का अगला उद्देश्य ये भी होता है कि सामग्री में कितना खर्च आ रहा है, इसका हमें कहां से पता चलेगा, लागत लेखांकन से पता चलेगा। अगला है पूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध हेतु। देखो पूर्तिकर्ता का मतलब यहां पर कच्चे माल हम लोगों को प्रोवाइड कराने वाले, पूरे कॉमर्स को पढ़ते समय अपने आप को व्यापारी समझिएगा, जो पूर्तिकर्ता हैं, जो हमारे लिए माल दे रहे हैं, उनसे अच्छे संबंध रहें। वो क्या करेंगे, बार बार माल की कीमत बढ़ाने का प्रयास करेंगे अपने, वो भी चार पैसे का फायदा कमाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें बताएंगे यार देखो ये चीज इतने बन के तैयार हो रही, तो वो मान जाते हैं, वो भी समझते हैं। तो इस तरह से पूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध हेतु ये जरूरी है कि लागत लेखांकन अपना एक उद्देश्य बना करके चलता है कि भैया उनको भी हम दिखा सकते हैं कि देखो हम क्या कमा पा रहे हैं। अगला ग्यारहवें नंबर पे बाजार की प्रतिस्पर्धा रोकने हेतु। बाजार की प्रतिस्पर्धा रोकने हेतु का मतलब यहां पर बाजार में जो अन्य निर्माता बैठे हुए हैं, वो निर्माता क्या कर रहे हैं, वो वस्तुओं को सस्ते में बेचने का प्रयास कर रहे हैं, वो वस्तुओं को कम से कम मूल्य पे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, बाजार की प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु हमारा जितनी लागत आ रही है हम उससे कम पे देंगे ही नहीं। यानी लागत जो आ रही है उसमें जब तक हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तब तक हम वस्तुओं को सेल करेंगे ही नहीं, तो ये बाजार की प्रतिस्पर्धा खुद ही रुक जाएगी, जिसे अपना नुकसान में बेचना है वो बेचे। ओके, बारहवां
कर्मचारियों पर नियंत्रण हेतु, लागत लेखांकन कर्मचारियों पर नियंत्रण हेतु। लागत लेखांकन का यह बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों पर कंट्रोल किया जाए। कर्मचारी क्या करते हैं, वो भी सोचते हैं अरे वस्तुएं बन रही हैं, बनने दो, बहुत ही प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कर्मचारी अपने मन में कोई द्वेष भावना ना ले आए, वो मन से काम करते रहे, उनका सीधा मोटिव रहे कि हाँ ये इस कंपनी को प्रॉफिट में जाना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए कर्मचारियों पर नियंत्रण हेतु ये उद्देश्य है किसका, लागत लेखांकन का। तो यहां से 12 हेडिंग्स हो चुकी हैं, उत्पादन लागत ज्ञात करना, लागत पर नियंत्रण, विक्रय मूल्य निर्धारित करने का उद्देश्य, लागत की तुलना करना, अपव्ययों को रोकना, हानियों को रोकने हेतु, लागत आंकड़े तैयार करने हेतु, कर नियोजन के लिए, सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, पूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध हेतु, बाजार की प्रतिस्पर्धा रोकने हेतु, कर्मचारियों पर नियंत्रण हेतु। ये 12 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में आपसे और आगे की बात करते हैं। हो गया, इसके बाद में 12-15 कम से कम बताएंगे। 13वें नंबर पे लागत अंकेक्षण हेतु, लागत अंकेक्षण हेतु, लागत अंकेक्षण किसे कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं गहन जांच पड़ताल के लिए। हम अगर किसी वस्तु को बना रहे हैं तो जितनी भी कॉस्ट आ रही उसकी गहन जांच पड़ताल करना लागत का क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। तो लागत अंकेक्षण करना यह भी उद्देश्य होता है किसका, लागत लेखांकन का। अगला वैधानिक दायित्वों की पूर्ति, वैधानिक दायित्वों की पूर्ति का मतलब है पूर्ति का उद्देश्य। भैया नियम भी कहता है कि हर चीज को लिख करके लिखिए, और हर चीज को जब लिख करके रखोगे तो आपके लिए कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास में सारा डेटा होगा, लेन देन स्पष्ट होगा, न्यायालय में भी प्रमाण के रूप में वो चीज आप वहां प्रस्तुत कर सकते हो। 15वां नंबर पे ग्राहकों के विश्वास हेतु, कभी कभी क्या होता है कि ग्राहक आपसे वस्तुएं परचेज तो करना चाहता है लेकिन उसके महन में उसके जहन में ये सवाल उठता है कि हो सकता है आप उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हो। ऐसी कंडीशन में लागत लेखांकन को दिखा करके और ग्राहकों का विश्वास हम जीत सकते हैं कि देखो हम तो आपके लिए गलत रेट लगा ही नहीं सकते हैं, आप देखिए इस वस्तु को बनाने में कितनी लागत आ रही। तो इस तरह से ये लागत लेखांकन के क्या थे, उद्देश्य थे। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट में लिखिएगा, और उम्मीद है कि आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छा क्लास था और यही उद्देश्य आप लाभ में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, उद्देश्य या लाभ, ठीक। तो ये चैप्टर आज यहीं पर क्लोज होता है, कल हम सेकेंड चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे, बाय बाय।